हेलो दोस्तों, आप लोगों को ब्लैंक स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं एल्जेब्रा का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एसएससी रेलवे का सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह का दो तीन क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर मैं एक में जाता हूँ। देखिए यहाँ पर, इफ़ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। इसका प्लस का वैल्यू चाहिए मुझे, कितना वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको पहले लिखना है एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर। यहाँ से मैं सब कुछ निकल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको हम लोग प्लस में लाने के लिए मुझे देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं साइड में बता रहा हूँ अभी। देखिए, एक चीज़ हम लोग पता है, हम लोग पढ़े हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। क्यों मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर माइनस फोर ए बी। तो माइनस फोर ए बी से क्या, टू ए बी कट जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, माइनस टू ए बी। तो ए वाला चीज़ आ रहा है, इसलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। उसी तरह क्यों लिखूँ मैं ऐसा, क्योंकि मुझे ए प्लस बी वाला फॉर्म चाहिए, इसीलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, उसी तरह लिखूंगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस फोर इंटू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी तो यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि x इंटू वन बाई एक्स है, चार छः सोलह। तो यहाँ पर होगा क्या, x x प्लस, तो यहाँ पर होगा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, चार उधर चल जाएगा, तो क्या होगा, सोलह प्लस चार कितना हो गया, बीस, और तब x प्लस वन बाई एक्स बराबर होगा रूट ट्वेंटी। रूट ट्वेंटी बराबर हो गया, जैसे पाँच चार बीस होता है, चार बाहर निकल जाएगा, चार निकलेगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, टू रूट फाइव होगा मेरा यहाँ पर आंसर। तो टू रूट फाइव कौन सा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर आंसर मुझे। तो इस तरह बहुत ही ईजी से मैं कर सकता हूँ। मुझे देखना है मुझे क्या दिया हुआ और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर टू यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं और क्वेश्चन हम में पढ़ता हूँ, जैसे इफ़ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ, देन इतना का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर रूट वाला जब चीज़ आ जाता है तो थोड़ा ध्यान देना वाला बात है, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स करना है। वन बाई एक्स मतलब ए वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, तो इसको करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, रूट वाला चीज़ को मैं हटा दूँगा। कैसे हटाऊँगा, देखिए ये तो ठीक है, इसको ठीक है, तो मैं वन बाई एक्स वाला चीज़ कैसे आ जाएगा, थ्री प्लस रूट एट ऐसा चीज़ आ जाएगा। ये नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, मैं ऊपर नीचे क्या करूँगा, मैं थ्री माइनस रूट एट से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं तो कर ही सकता हूँ ऐसा, मैं कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे नीचे वाला चीज़ को क्या चीज़ लाना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लाना है, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि मैं इसका भी स्क्वायर कर सकूँ, इसका भी स्क्वायर कर सकूँ, ताकि क्या हो जाएगा, रूट एट का रूट एट जो है रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो नीचे रूट वाला चीज़ नहीं रहेगा और चीज़ को करने में आसानी होगा। ऊपर जो है ऐसे, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर नौ, और रूट एट का स्क्वायर कितना होगा, एट, तो नाइन माइनस एट तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मुझे कितना वैल्यू मिला, इतना वैल्यू मिला, बहुत आसानी मिल गया, आसानी से मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मुझे निकालने दिया, और मुझे क्या, मुझे मिल गया एक्स का वैल्यू मुझे मिल गया इतना, और एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू मुझे मिला इतना। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको प्लस करके कितना होगा, थ्री प्लस रूट एट प्लस थ्री माइनस रूट एट। तो माइनस यहाँ पर एट है, सॉरी, तो यहाँ पर एट माइनस रूट एट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, छः बचेगा। तो मुझे क्या मिला, x प्लस वन बाई एक्स बराबर छः मिला। मुझे निकालना क्या, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, देखिए इसको इससे मुझे निकालना है, इसके पहले वाला मैथ हम लोग किए, यहाँ वही वाला चीज़, वही वाला कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पर यूज़ होगा। तो उसी तरह मैं इसको लिखूंगा वन बाई एक्स। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में उतना लिखने का जरूरत नहीं। आप लोग तुरंत जितना भी शॉर्ट आप लोग कर सकते हैं वहाँ पर, उतना आप लोग के लिए टाइम बचेगा। तो यहाँ पर क्या करना, मुझे एक स्क्वायर वाला चीज़ चाहिए, तो क्या करना, सीधा इसको क्या कर देना, स्क्वायर कर देना सीधा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स।
तो एक्स एक्स वहां पर कट जाएगा, 36 होगा उधर, एक्स एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस तो 34 इज द आंसर। ये मुझे आंसर मिल गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 34 इज द मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इफ रूट सेवन माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट सेवन प्लस टू और इक्वल टू ए प्लस रूट सेवन प्लस बी, इस टाइप का क्वेश्चन अगर होगा एंड आपका ए का वैल्यू भी निकाल सकते बोल सकता है और बी का भी वैल्यू बोल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछा है, तो पहले ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसी जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, ए वाला फॉर्मेट मुझे इसको लाना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला चीज़ को हटाना पड़ेगा। नीचे वाला चीज़ को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं इसके पहले बताया, ऊपर नीचे मतलब ऐसा फॉर्म में लाना है ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ जाए। तो किसको क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, रूट सेवन ऊपर क्या हो रहा है मुझे देखने की जरूरत नहीं, नीचे इसको हटाना है, ठीक है। तो रूट सेवन माइनस टू से मुझे मल्टीप्लाई करना, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर ही सकते क्योंकि इसको काट के वन ही हो जाता है और इसको साइड में लिख जाते हैं एक साथ। देखिए इसके साथ कंपेयर में कैसे कर रहा हूँ, तो नीचे क्या आ जाएगा, पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर आ जाएगा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसको फॉर्मूला में तोड़ देता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके माइनस टू ए इंटू बी, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट सेवन का हो गया सेवन और टू का हो गया फोर, सेवन माइनस फोर कितना हो गया थ्री हो गया, और इधर क्या आ गया, ए रूट सेवन प्लस बी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको सीधा लिखते हैं, इसको उल्टा उलट करके लिखते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, फोर रूट सेवन प्लस सेवन इलेवन हो गया और नीचे हो गया थ्री इक्वल टू ए रूट सेवन प्लस बी। इसको मैं लिख के कर रहा हूँ, इसको लिखने के लिख के करने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, तुरंत कीजिएगा, जितना भी आप स्टेप जंप कर सकते हैं, बट ध्यान से गलती मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार गलती कर दिए तो आपका नंबर वहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए इसी का इसी जैसा मैं इसको मैं ला दिया कि देखिए रूट सेवन में यहाँ वाला आया और यहाँ पर ए वाला, ए कॉन्स्टेंट हो गया क्या, बी ए वाला कॉन्स्टेंट है, ए वाला ई, इसके आगे क्या था ए, तो देखिए ए मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दोनों को कंपेयर करके, तो मैं यहाँ पर ए बराबर मैं ऐसा बोल सकता हूँ माइनस फोर बाई थ्री, और मैं बी बराबर भी यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या इलेवन बाई थ्री। तो मुझे क्या दिया है क्वेश्चन, मैं मतलब मुझे क्वेश्चन ए निकालने दिया है, तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मतलब ऑप्शन माइनस फोर बाई थ्री होगा यहाँ पर करंट आंसर। तो इसी तरह क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए कैसे लग रहा है वीडियो आप लोगों को, और लाइक कीजिए, इससे क्या होता है मुझे वीडियो बनाने में और प्रेरणा मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बाद में मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।